भिवानी में वन्य जीव क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां चारा मंडी के पास कुछ प्रवासी लोग बंदरों को बोरियों में बंद किए हुए थे। ये लोग बंदरों से गांव-गांव जाकर खेल दिखाने का काम करते हैं, लेकिन गौ रक्षकों की शिकायत पर वाइल्ड लाइफ गार्ड मौके पर पहुंचे और बंदरों को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान प्रवासी लोगों ने बंदर छुड़वाने के लिए खूब हंगामा भी किया। बताया था हमारे को संजय परमार ने बताया कि इस तरह वाटर एग्रीमेंट के पास बंदर हैं, वो बांध रखे हैं। बस ये बताया हमारे को। कितने बंदर हैं यहाँ आके देखा तो ये तो बंदर देख लो 8-10 बंदर तो होंगे, गिन के बता देंगे भाई कितने बंदर है टोटल। इनको हम जू में लेके जाएंगे, नहीं वहाँ फिर दांगी साहब के बाद में इनको फिर आजाद किया जाएगा। मेनका जी ने इसके ऊपर पाबंद लगाया हुआ है, किसी भी मतलब वन्य जीव को बंदर को कैद करके नहीं रख सकते। बताया जा रहा है कि तो शाम बाईपास से चारा मंडी में कुछ प्रवासी परिवार आए हुए हैं। ये लोग यहाँ सड़क पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं और उनके पास 8-10 बंदर और 4-5 उनके बच्चे थे। ये लोग बंदर बंदरिया का गांव गांव जाकर खेल दिखाने का काम करते हैं। आज गोरक्षकों को इसका पता चला कि ये प्रवासी लोग खेल दिखाने के बाद वापस यहां आकर बंदरों व उनके बच्चों को बोरी में बंद कर देते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस व वाइल्ड लाइफ विभाग को दी, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ गार्ड मौके पर पहुंचे और बंदरों को अपने कब्जे में ले लिया।